और इस बीच एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री अनित गिरी के एक बयान को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित बयान दिया गया है और वीडियो भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय ने जारी करते हुए अनिल गिरी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। आपको सबसे पहले हम सुनवा देते हैं मंत्री अनिल गिरी ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद से किस तरह से सियासत तेज हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए जरा अनिल गिरी का वो बयान। রাষ্ট্রপতির চেয়ার কে আমরা সম্মান করি, তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? लेकिन क्या राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए इस तरह से बयान जारी करना चाहिए, ये अपने आप में सवाल है। और पार्टी गिर भी गई है टीएमसी इसको लेकर, लेकिन किनारा भी कर लिया है, पल्ला झाड़ दिया। देखिए, अनिल गिरी के इस कथित वीडियो को लेकर बीजेपी हमलावर है और पार्टी नेता अर्जुन मुंडा ने आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी से बातचीत की और उन पर हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो घटनाएं बार बार हो रही है ऑपोजिशन की तरफ से, जो प्रेसिडेंट पे ऐसे एंटी ट्राइबल अटैक्स हो रही है, क्या ये एक सेंस बन गया है ऑपोजिशन में? देखिए, ऑपोजिशन का और खास करके टीएमसी का जो चरित्र रहा है वो इस बात को दर्शा रहा है कि वो लगातार ट्राइबल्स के बारे में उसकी सोच बहुत गंदी है, बहुत गलत है और अशोभनीय रहा है। हमेशा वोट बैंक की राजनीति करके लोगों को ठगने का कोशिश किया और यही परिणाम है कि उनके मंत्री इस तरह के बोल बोल रहे हैं। संथाली कम्युनिटी जो है वो बंगाल में भी बहुत उनका पॉपुलेशन है, इसके बावजूद जो ऐसी कमेंट्स, क्या आपको लगता है कि एक वुमन चीफ मिनिस्टर के तहत पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी को मंत्री परिषद से उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और अगर उन्हें बर्खास्त नहीं करना चाहिए तो खुद इस्तीफा दे करके बताना चाहिए कि हमारे मंत्रिमंडल में इस तरह के बातों को कहने का ये जो फुटेज आया है ये देश के सामने, हम माफी मांगते हुए इस्तीफा दे। सर, एक आखिरी सवाल, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्टर है आप, क्या आप कोई एक्शन लेंगे, आपके मिनिस्ट्री से कोई एक्शन आप इनिशिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि उनके मंत्री इस तरह के कह रहे हैं, अब कोई एक्शन लेगा तब उनके पार्टी को यह समझ में नहीं आता है, यहाँ की सरकार को यह समझ में नहीं आती है। 10.5 करोड़ जो दुनिया का 30% आदिवासी इस देश में रहते हैं, उसके साथ इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दें राष्ट्रपति को लेकर ये बयान और इसी को लेकर चौतरफा हमला वर अभी रुख अख्तियार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को निशाने पर ले रही है। देखिए, बीजेपी ने मंत्री अनिल गिरी और ममता बनर्जी की सरकार पर तीखा प्रहार किया है, हमला बोला है, तो टीएमसी ने अपने मंत्री के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि उनके बयान का टीएमसी समर्थन नहीं करती, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर समर्थन नहीं करती तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख में है। शांतनु दा, ये वीडियो जो वायरल हुआ है उस पे तृणमूल कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक तृणमूल की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है? तृणमूल कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करता है, हमारा दल संविधान का ऊपर आस्था रखता है, विश्वास रखता है, रिस्पेक्ट करता है और राष्ट्रपति जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारा देश का, उनका ऊपर भी बहुत हाई रिगार्ड्स हम लोग रखते हैं, हमारा पार्टी रखते हैं। स्पेशली जहाँ पर वुमेन का बात है, वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है मैडम ममता बनर्जी, सो कोई ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम लोग इसको सपोर्ट करें, हम लोग इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, हमारा मंत्री अखिल गिरी जो ये बोला था उसको भी खराब लगा बोल के आज सुबह उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया ओपनली ऑन कैमरा, सोशल मीडिया में भी वो दिखाया। लेकिन बीजेपी इसको लेकर जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा, जो हर वक्त बुरा बात बोलते रहता है दिलीप घोष जिसका मुँह से हमेशा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज निकलता रहता है, उसका मुँह पर ये शोभा नहीं देते हैं। जो देश का एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करता है, जो माँ दुर्गा का एंसेस्ट्री के बारे में सवाल उठाता है, उनको ये क्रिटिसिज्म शोभा नहीं देता है।